नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके टेक्निकल इसके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है। अगर आप एक ब्लॉगर हो और ब्लॉगिंग करते हो तो यार आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ कि भाई आप अपने किसी भी ब्लॉग को बहुत ही जल्दी एडसेंस से अप्रूवल कैसे करा सकते हो। भाई कई लोगों ने इस बार पर फेक वीडियो भी बना रखी है, उन्होंने बोला कि भाई 24 घंटे के अंदर आपको अप्रूवल मिलने वाला है, ऐसा वैसा होने वाला, आपको तुरंत अप्रूवल मिल जाएगा या फिर हमसे एडसेंस अप्रूव्ड अकाउंट ही खरीद लो। तो भाई आप लोगों को मतलब कि आपको सिर्फ वह लोग जूतिया ही बना रहे हैं, आपको एडसेंस अप्रूव्ड अकाउंट देने के बदले आपको एक ऐसा स्पैम से भरा एडसेंस अकाउंट दे देंगे जो कि कुछ ही समय बाद डिसअप्रूव हो जाएगा। तो प्लीज़ यार ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि यदि आपका पैसा बर्बाद जाता तो मुझे बहुत ही दुख होने वाला, क्योंकि भाई देखो जो हमारा पैसा आता है वो काफ़ी मेहनत से आता है और हम यदि ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो भाई कुछ ना कुछ कमाने के लिए ही कर रहे हैं। तो यार आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने एडसेंस को अप्रूव किस तरह से करा सकते हैं, मतलब अपने ब्लॉग को किसी भी हिंदी इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज के ब्लॉग को एडसेंस से अप्रूव्ड किस तरह करा सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से, फालतू तामझाम करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो यार आपसे एक ही विनती करना चाहूँगा, अगर आप मेरे जो चैनल पर नए आ गए तो यार नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर जरूर क्लिक करना, उसके बाद एक बेल आइकन आएगा उस पर प्रेस कर देना है, उसको ऑन कर देना, ताकि आपको जो मेरी लेटेस्ट वीडियो है ब्लॉगिंग से रिलेटेड उसका इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही जल्दी मिल जाए। तो यार चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जान लेते हैं कि भाई हम अपने एडसेंस को किस तरह से अप्रूव्ड करा सकते हैं, वो भी बहुत ही जल्द। सो गाइस, आपके सामने अभी जो वेबसाइट ओपन है वो मेरी वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका नाम technicalist.com है। सो गाइस, मैंने यहाँ पे एडसेंस का अप्रूवल पहले ही ले रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडसेंस के जो ऐड हैं लगे हुए हैं, बराबर चल रहे हैं, और मैंने यहाँ पे 3 कोर्स भी बना रखे हैं, विशिंग स्क्रिप्ट से रिलेटेड, ब्लॉगिंग से रिलेटेड और अर्न मनी ऑनलाइन से रिलेटेड, मैंने यहाँ पे आर्टिकल जो खासकर डाले हुए हैं, यहाँ से आप इन सभी को पढ़ सकते हैं और ब्लॉगिंग को सीख सकते हैं। तो यार यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया कि भाई हाँ मेरे पास भी एक एडसेंस अप्रूव वेबसाइट है जिसमें मैंने एडसेंस का अप्रूवल कुछ ही समय में लिया। भाई आप सोच रहे 2 महीने 3 महीने, नहीं भाई मैंने सिर्फ 7 दिनों के अंदर अप्रूवल लिया रहा। अब आप बोलोगे भाई मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, हो सकता है कि आपने ये फेक बता दिया हो, आप प्रूफ कहाँ दे रहे हो। भाई मैं आपको टेंशन मत लो, इस वीडियो में प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ। और कई लोगों का ये कहना था भाई कि अगर हमारा डोमेन जो टॉप लेवल डोमेन नहीं है तो वहाँ पे हमें अप्रूवल नहीं मिलता, और ब्लॉगर पे तो आजकल अप्रूवल नहीं मिल रहा है यही लोग सोच रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, ब्लॉगर पे भी अप्रूवल मिल रहा है। भले ही आप वर्डप्रेस पे क्यों ना चले जाओ, यदि आपने कुछ ना कुछ गलती की होगी तो वहाँ पे आपको एडसेंस के जो अप्रूवल है वो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। तो इन सभी गलतियों का जो मैं आपको क्लियर करके बताने वाला हूँ कि भाई आप क्या गलती कर रहे हो जिसके कारण आपको एडसेंस के अप्रूवल नहीं मिल रहा। चलिए देख लेते हैं पहले हमें कि एडसेंस के अप्रूवल आखिर मिले कैसे। सो गाइज, मैं यहाँ पे आपको इस ब्लॉग के बारे में बताने वाला हूँ, यानी कि इस ब्लॉग में एडसेंस का अप्रूवल लेके बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से एडसेंस का अप्रूवल लेके दिखाऊंगा कि किस तरह से हमें एडसेंस का अप्रूवल मिल रहा है, हम क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं वो सब बताने वाला हूँ, क्या क्या पेज आपको बनाने हैं वो तो आखिर सब कोई बता देता है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देने वाला हूँ कि आखिरकार आपको अपने जो अपना जो ब्लॉग है उसमें किस तरह के पेज बनाने हैं, कैसे पेज बनाने वो सब आपको बता देने वाला हूँ। और आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि आपका जो भाई है ब्लॉगिंग की फील्ड में आ गया, आपको ब्लॉगिंग सिखाना, तो आप टेंशन मत लेना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, यहाँ मैं आपको ब्लॉगिंग से रिलेटेड पूरी जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पर चलिए पहले बता दूँ आपको एडसेंस का अप्रूवल लेना किस तरीके से है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको एक सिंपल सा ब्लॉग बनाना है, आप चाहे ब्लॉगर पे बनाओ या फिर वर्डप्रेस पे बनाओ वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जिसमें चाहो उसमें बना सकते हो। अगर आपका बजट ज़्यादा तो प्लीज़ यार उसे वर्डप्रेस पर ही बनाना, और यदि आपका बजट नहीं है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, ब्लॉगर पर ही अपना ब्लॉग बनाओ, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस आपको ब्लॉग बनाना एक सिंपल थीम का यूज करना है, जैसे कि इस ब्लॉग पे आपको जो वर्डप्रेस पे है अभी इसमें आपको न्यूज़पेपर थीम देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी सिंपल सी है, कुछ खास नहीं है, बट फिर भी हमारा जो ब्लॉग है काफ़ी अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप कोई भी थीम का यूज कर सकते हो, बट वो एडसेंस से रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, एडसेंस फ्रेंडली होना चाहिए। तो एक आध जो थीम है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो कि एडसेंस फ्रेंडली थीम है, उन्हें आप काफ़ी अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो अपने ब्लॉग में। तो उन थीम्स या टेम्पलेट को डाउनलोड करने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन को चेक करना मत भूलना, उन थीम का अप्लाई कर लेना। मैं आप देख सकता भाई मैंने यहाँ पे ज़्यादा पोस्ट पब्लिश नहीं किए, यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ 9 पोस्ट पब्लिक किए हैं, 10 भी नहीं किए भाई, मैंने सिर्फ और सिर्फ 9 किए हैं। बट भाई शर्त ये है कि सभी पोस्ट आपको जो पब्लिक करनी है वह आपकी टोटल 1000 शब्दों से ऊपर होनी चाहिए। हाँ भाई कम से कम भाई थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी शुरू में, तभी आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। भाई भले ही आप इन पोस्टों को बाद में डिलीट कर देना, बट यार अभी आपको लिखना पड़ेगा, किसी भी टॉपिक पर लिखो भाई, कोई
कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ एडसेंस के अप्रूवल चाहिए ना शुरू में। तो आप किसी भी टॉपिक पे लिखो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ कुछ भी टॉपिक पे, इस पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बट मैंने यहाँ पे क्वालिटी दी हुई है। अभी मैं रैंकिंग की टेंशन नहीं ले रहा हूँ, पहले एडसेंस का अप्रूवल तो मिले सही, उसके बाद रैंक तो हम करा लेंगे अपने ब्लॉग को, रैंक की टेंशन नहीं रहती भाई, रैंक बाद में हम करा लेंगे, बट पहले एडसेंस का अप्रूवल मिलना ज़रूरी है। क्योंकि यदि अगर हमने पहले जो अप्रूवल करा लिया, मतलब कि पहले हमने यदि इसे रैंक करा लिया और बाद में अगर हमें एडसेंस वगैरह का अप्रूवल नहीं मिला, तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी, हमारी अर्निंग आखिर होगी कहाँ से। इसलिए पहले आपको कुछ भी पोस्ट करना है, एकदम सिंपल सिंपल पोस्ट करना है, मतलब आर्टिकल लिखने हैं, और सभी आर्टिकल को 1000 अक्षरों में लिखना भाई, मैं 1000 अक्षर नहीं सॉरी 1000 शब्दों में लिखना है। आप भाई इसे बकवास मत कहना कि मैं कुछ भी बकवास कर रहा हूँ, भाई करके देखो यार, एक बार करके जरूर देखो, मेरी बात को मानो तो सही, एक बार करके तो देखो, एडसेंस का जो अप्रूवल है वो गारंटी के साथ मिलने वाला है। बस यार जब यहाँ पे आप 9 पोस्ट यहाँ पे पब्लिक कर देंगे, वो भी 1000 शब्दों की, वो भी क्वालिटी पोस्ट होनी चाहिए। मैं यहाँ पर आपको एक पोस्ट ओपन करके दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह से पोस्ट होनी चाहिए। तो यार आप देख सकते हो कुछ इस तरह की पोस्ट है, यहाँ पे सिंगल आपको एक सिंगल इमेज का यूज करना है, कुछ ज़्यादा इमेज का यहाँ पे आपको यूज नहीं करना है, एक सिंगल इमेज का यूज करना है, और जो आपका जो वो होगा, मतलब आपको जो आर्टिकल होगा वो पूरा 1000 से ऊपर अक्षरों का होना चाहिए। थोड़ी बहुत आगे पीछे चल सकता है, बट आपको खासकर ये ध्यान रखना कि जो आपका हर एक आर्टिकल हो वो 1000 शब्दों से ऊपर का हो, तो बस आपको इतना ही करना है। उसके बाद आपको कुछ पेजेस बता दूँ जिनको आपको बनाना जरूरी है, वो हर कोई बता देता है बट मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूँ ताकि आपसे कहीं पर भी कोई भी ज़्यादा गलती ना हो। तो यार आपके जो ब्लॉग है उसमें कचड़े तरफ से नहीं भरना, एकदम खिचड़ी नहीं पका देना है, थोड़ा बहुत कंटेंट रखना, एकदम ज़्यादा भर मत देना, कि ये लोग साइड बार में करते क्या है, यहीं पे कैटेगरी, यहीं पे यूट्यूब चैनल, यहीं पे फेसबुक पे सब कुछ यहीं पे उड़ेल देते, एकदम कचड़ा कर देते हैं, बिल्कुल स्मार्टफोन फ्रेंडली नहीं रह जाता है उनका ब्लॉग, इसलिए भाई जो गूगल है वो उसे डिसअप्रूव कर देता है, एडसेंस का अप्रूवल देता ही नहीं है। भाई एकदम सिंपल ब्लॉग बनाओ ना यार, क्या फालतू अपन को परेशान होने की जरूरत है। पता है आपसे यहाँ सब्सक्राइबर कुछ ज़्यादा नहीं जाते, कई लोग यहाँ पे सब्सक्राइबर मतलब कि यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करने के लिए लगा देते हैं, यहाँ पे कई लोग यहाँ पे लगा देते हैं कि भाई हमारा जो फेसबुक पेज यहीं से लाइक कर दो, लगाओ लेकिन एक नॉर्मल बजट लगाओ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ नॉर्मल बजट लगे हुए हैं, यहाँ पे मेरे ज़्यादा फॉलोवर नहीं है, बट यहाँ पे technicalist.com में यहाँ पे फॉलोवर्स मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो मेरे फॉलोवर हैं थोड़ी बहुत तो हैं भाई, कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन नॉर्मल फॉलोवर्स तो हैं, तो आप भी मेरे उसे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज पर, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इतना कर लेना है आपको, जो आपको जो पोस्ट है उस पर इतने आर्टिकल डाल लेने, उसके बाद आपको जो कुछ पेजेस ज़रूर उसे बना लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अबाउट अस का जो पेज बिल्कुल बनाना मत भूलना, यहाँ पे इसे बना ही लेना भाई, और यहाँ पे आप थोड़ा बहुत कंटेंट भी लिख देना, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाना, यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाना, और साइट मैप वगैरह तो बना ही लेना, और डिस्क्लेमर का पेज बनाना मत भूलना, मतलब कि 1 2 3 4 और ये 5 पेज को बिल्कुल बनाना मत भूलना, और जो मेन मेन्यू है यहाँ पे आपको 3-4 कैटेगरी जरूर दे देना। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 कैटेगरी मैंने दे रखी है, हेल्थ इन्फॉर्मेशन ब्लॉगिंग से रिलेटेड, यहाँ पे आप जितने चाहो उतने दे सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बस यहाँ पे कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है यार, एडसेंस के अप्रूवल में आपको लगता है कि बहुत कुछ करना पड़ता है भाई, बहुत जल्दी ही एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है। कई लोगों को सोचना है कि भाई हमें .com होगा या .net होगा तो ही एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा, बट यहाँ पे कैसे .online, मैं इसमें आपको एडसेंस का अप्रूवल लेके दिखाऊंगा वो भी 7 दिनों के अंदर। यदि आप सोच रहे हो कि 24 घंटे में हमें एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए, तो भाई ऐसा कभी नहीं होता। यदि बड़े से बड़ा ब्लॉगर भी आ जाए तो आपको 24 घंटे के अंदर आपको कोई किसी भी ब्लॉग में एडसेंस का अप्रूवल नहीं दिला पाएगा, क्योंकि जो एडसेंस के भाई जो वहाँ पे काम करने वाले एडसेंस की टीम है उनके पास इतना समय तो रहता ही नहीं है कि वो किसी भी ब्लॉग को 24 घंटे के अंदर देख लें। तो यहाँ पे मैंने इसे अप्रूवल के लिए भेज दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरी cassie.online का ब्लॉग है यहाँ पे एडसेंस के अप्रूवल के लिए भेज दिया, और मैं यहाँ पे आपको गारंटी देता हूँ कि ये ब्लॉग यहाँ पे अप्रूव्ड हो जाएगा भाई। अगर आपने इतना काम किया तो आपका ब्लॉग जरूर अप्रूव्ड हो जाएगा। यदि कोई और प्रॉब्लम आ रही है साइट डाउन से रिलेटेड, क्योंकि कईयों की जो प्रॉब्लम आ रही है वो साइट डाउन से रिलेटेड आ रही है, यदि आपको भी आ रही है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो यहाँ पे आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपका एडसेंस का जो अप्रूवल है वो बहुत ही आसान तरीके से मिल जाने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है यार, बट मैंने आपको थोड़ी सी यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी है। कई लोग आपको उल्लू बनाने लगते हैं कि भाई यहाँ पे कुछ भी करवाने लगते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, तो आपको वैसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल सा काम करना है आपको अपने ब्लॉग में। और हाँ यार, सोशल मीडिया के आइकन लगाना मत भूलना, यहाँ पे जो सोशल मीडिया के आइकन है वो जरूर लगा देना, यहाँ पे नहीं तो साइड बार पे लगा देना एक आध, और सोशल मीडिया अकाउंट जरूर बनाना, अपने वेबसाइट का URL वहाँ पे जरूर छोड़ना। और आपको फालतू से भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि बैकलिंक बनाने लगो, ये करने लगो और बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगो। जब तक आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल जाता तब तक आपको फालतू की मेहनत नहीं करनी है, इतना ही करना है। यदि आपने इतना कर लिया जितना मैंने बताया और एडसेंस अप्रूवल के लिए भेजा, तो भाई मैं गारंटी देता हूँ कि आपको जो एडसेंस का अप्रूवल डिसअप्रूव नहीं होगा, अप्रूव्ड ही
ही होगा, यदि फिर भी हो जाता तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई आखिर प्रॉब्लम क्या आ रही है आपके साथ। जो भी आप कमेंट करके बताओगे भाई मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। हाँ भाई विश्वास नहीं हो रहा तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर देना। बट यार मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करना, इस वीडियो को अपने ब्लॉगर दोस्तों के साथ शेयर करना जो भी ब्लॉगिंग करते हैं, कोई भी एरर आ रहा हो आपके साथ आपकी ब्लॉगिंग में तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलता हूँ आपसे कौन न्यू और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद और गुड बाय। With the bills.